अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे प्यारे महबूब, तुम कह दो ईमान वालों से निगहबानी करो, सब नमाजों की यानी पांच वक्त की फर्ज नमाजों को उनके वक्तों पर अरकाने शरायत के साथ अदा करते रहो, और बीच के नमाज की हजरत इमाम आजम अबू हनीफा और जमहूर सहाबा रदियल्लाहु आला अन्हु का मजहब यह है कि इससे नमाज असर मुराद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद पांच चीजों पर है, इस बात की शहादत देना कि अल्लाह ताला के सिवा कोई मबूद नहीं, और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके खास बंदे और रसूल हैं, नमाज कायम रखना, जकात देना, हज करना, माह रमजान के रोजे रखना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी के घर के सामने नहर हो, वह रोज पांच मर्तबा गुस्ल करे तो क्या उसके बदन पर मैल रहेगा? सहाबा ने अकी नहीं फरमाया, यही मिसाल पांच नमाजों की है। अल्लाह ताला नमाजों के सबब से सब खताओं को मिटा देता है, और बंदा जब नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, उसके लिए अल्लाह ताला के बीच के पर्दे हटा दिए जाते हैं और हूरें उसका इस्तकबाल करती हैं। जब इंसान सजदा करता है तो शैतान रोता हुआ भागता है और कहता है, अफसोस कि इंसान को सजदे का हुक्म हुआ, उसने सजदा कर लिया, उसको जन्नत मिली, मुझे सजदे का हुक्म हुआ, मैंने इनकार किया और मुझे जहन्नुम मिली। और जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म दो, और जब 10 बरस के हो जाएं तो मार के नमाज पढ़ाओ। हजरत अबू जर गफ्फारी फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दियों के मौसम में बाहर तशरीफ ले गए, पतझड़ का मौसम था, आपने एक दरख्त की 2 शाख पकड़ कर उन्हें हिलाया, पत्ते उनसे झड़ने लगे। आपने फरमाया, ए अबू जर, मैंने अर्ज किया, हाजिर हूं। फरमाया, जब मुसलमान बंदा नमाज पढ़ता है और अल्लाह ताला की रजामंदी का इजहार करता है तो उसके गुनाह इस तरह गिरते हैं जैसे इस दरख्त के पत्ते झड़ते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक रखी गई है, और जन्नत की कुंजी नमाज है, और नमाज की कुंजी तहारत है। जिसने कसदन यानी बगैर किसी उज्जर शरी के नमाज छोड़ दी तो जहन्नुम के दरवाजे पर उसका नाम लिख दिया जाता है, और उसका कोई दीन नहीं। नमाज दीन का सुतून है। क्यामत के दिन सबसे पहले बंदे से नमाज के बारे में पूछा जाएगा, अगर उसकी नमाजें मुकम्मल हुई तो उसके सारे आमाल कबूल कर लिए जाएंगे, और अगर नमाज मुकम्मल नहीं हुई तो उसके तमाम आमाल रद्द कर दिए जाएंगे। सबसे बुरा आदमी नमाज का चोर है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अनु नमाज के वक्त फरमाते हैं, ऐ लोगों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो आग लगाई है, उठो और उसे नमाज के लिए बुझा दो। हजरत अनस ने फरमाया, शबे मेराज में सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों पर 50 वक्त की नमाजें फर्ज की गईं, फिर कम की गईं, यहां तक कि 5 रह गईं। आवाज दी गई है, मेरे महबूब, इन 5 के अंदर ही 50 का सवाब है। मसअला, हर आकिल बालिगह पर नमाज फर्ज है, उसकी फर्जियत का मुनकिर काफिर है, और जान बूझ कर छोड़ दे अगर चे एक वक्त की हो वह फासिक है। जो नमाज न पढ़ता हो उसे कैद में रखा जाए, जब वह तौबा करके नमाज पढ़ने लगे तब रिहा किया जाए। इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद के नजदीक सुल्तान इस्लाम उसके कत्ल का हुक्म दे। मसला, किसी से नमाज पढ़ने को कहा, उसने जवाब दिया, नमाज तो पढ़ता हूं पर उसका कुछ नतीजा नहीं, या कहा, तुमने नमाज पर ही क्या फायदा हुआ, या कहा, नमाज पढ़कर क्या करूं, किसके लिए पढ़ूं, माँ बाप तो मर गए हैं, या कहा, बहुत पढ़ ली, अब दिल घबरा गया है, या कहा, पढ़ना ना पढ़ना दोनों बराबर है। गर्ज की इस किस्म की बातें करना जिससे फर्जियत पर इनकार करना समझा जाता हो, या नमाज की तोहीन हो, या कुफ्र है और ऐसा कहने वाला काफिर है। हिजरत से पहले मेराज की रात में नमाज फर्ज हुई, और जकात और जिहाद व रोजा 2 हिजरी में फर्ज हुए।